Dear friends and students, look at the whiteboard. In this whiteboard, I have written some optional questions about sets. Question number one is, निम्न में से कौन सा समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है? विकल्प नंबर ए परिमित समुच्चय, बी एकल समुच्चय, सी रिक्त समुच्चय और डी नन। साथियों, जब भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह से वैकल्पिक प्रश्न, चाहे गणित से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो या अन्य विषयों से संबंधित, अगर आपको पूछे जाते हैं तो आपको प्रश्न को भली भांति पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके पश्चात ही आपको विकल्प का चयन करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न में पूछा ये गया है कि इन तीनों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प या ऐसा कौन सा समुच्चय का प्रकार है जो कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। साथियों, यदि आप लोगों ने सेट अर्थात समुच्चय के बारे में भली भांति अध्ययन किया है या आप समुच्चय के बारे में पूर्णतः जानते हैं, उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं, तो निश्चित तौर से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें उत्तर होगा रिक्त समुच्चय। साथियों, रिक्त समुच्चय क्यों होगा? क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं होता है, अतः जब कोई भी सदस्य नहीं होता है तो वह प्रत्येक समुच्चय, चाहे हम बात करें परिमित समुच्चय की करें या अपरिमित समुच्चय की बात करें या एकल समुच्चय की बात करें, किसी भी प्रकार के समुच्चय की बात करें, तो उन सभी समुच्चयों का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। चलिए, इस बारे में मैं आपको इन ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद में जानकारी दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर टू, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय खालिस्तान प्रकार के समुच्चय को दर्शाता है। विकल्प नंबर ए परिमित समुच्चय, बी अपरिमित समुच्चय, सी सम समुच्चय और डी नन। जैसा कि मैंने आपको उर्मे ही बताया कि हमें प्रश्न को भली भांति पढ़ करके समझना चाहिए। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, देखिए ये उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है कि प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का समुच्चय वो किस प्रकार का समुच्चय का उदाहरण है? ए परिमित समुच्चय का उदाहरण है, या अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, या सम समुच्चय का उदाहरण है, या इन तीनों में से कोई नहीं? तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप समुच्चय के प्रकारों के बारे में भली भांति परिचित हैं, उनके उदाहरणों के बारे में जानते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा अपरिमित समुच्चय। देखिए, प्राकृत संख्याओं जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में अवयवों या सदस्यों की संख्या अनंत हो, जिनकी गणना करना संभव न हो, तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं जो हैं वो एक से लेकर अनंत तक है ना, तो ये अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए, इन समुच्चयों के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं वैकल्पिक प्रश्नों के अंत में आपको इसका डिटेल्स दूंगा। प्रश्न क्रमांक तीन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है? साथियों, प्रश्न को अच्छे से हमने पढ़ा, यहां पर एक बात विशेष यह है कि उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। कभी भी प्रश्न में आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को प्रश्न को भली भांति पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। अब याद रखिए, अंत में नहीं है दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत शीघ्रता से जल्दी में प्रश्न को पढ़ लेते हैं और अंत में जो दिया गया नहीं है उसको हम नहीं पढ़ पाते, तो ऐसी स्थिति में हम गलत विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से कौन सा उदाहरण रिक्त समुच्चय का नहीं है? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी सदस्य या कोई भी अवयव न हो। तो अब इन चारों उदाहरणों में देखना है कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जो रिक्त समुच्चय को नहीं दर्शाता है, बाकी तीन उदाहरण रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं। तो देखिए, नंबर एक क्या है? नंबर एक, भारत में 200 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का समुच्चय। बी,
भारत में निवासरत अंग्रेजों का समुच्चय, सी भारत में 250 मंजिला इमारतों का समुच्चय, और डी भारत में बिना सड़कों वाले शहरों का समुच्चय। साथियों, इन विकल्पों को पढ़ने के पश्चात निश्चित तौर से नंबर ए क्या है, भारत में 200 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का समुच्चय। तो देखिए, भारत में अभी वर्तमान में 200 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के लोग यहाँ पर नहीं है, अतः ये जो है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। नंबर बी, भारत में निवासरत अंग्रेजों का समुच्चय। तो देखिए, भारत में वर्तमान में अंग्रेज लोग निवास कर रहे हैं, कोई ना कोई अंग्रेज यहाँ पर निश्चित तौर से है। निश्चित तौर से हमारे देश को आजादी मिलने के पश्चात अंग्रेज यहाँ चले गए, किंतु कुछ अंग्रेज जो हैं यहाँ पर आज भी निवास करते हैं। अतः भारत में निवासरत अंग्रेजों का समुच्चय, यह जो समुच्चय है यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, और हमारा उत्तर भी यही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, भारत में 250 मंजिला इमारतों का समुच्चय। भारत में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो 250 मंजिल की हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 250 मंजिला इमारतों का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चौथा क्या है, भारत में बिना सड़कों वाले शहरों का समुच्चय। देखिए, भारत देश में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर सड़कें ना हो। हाँ, वेनिस एक शहर ऐसा है जो कि टापुओं का देश है, जहां पर सड़कों के स्थान पर नहरें बनी हुई हैं और जल यातायात वहां होता है, तो ये वेनिस में है। किंतु हमारे भारत देश में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर सड़कें ना हो, अतः यह भी जो है उदाहरण एक समुच्चय का उदाहरण है। तो साथियों, आप लोगों को मैंने ये तीन वैकल्पिक प्रश्न बताया। इन प्रश्नों को बताने का केवल उद्देश्य यह है कि आज के इस कालखंड में हम समुच्चय के बारे में बताएंगे, समुच्चय के प्रकारों के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, समुच्चय के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु क्या है, समुच्चय संकेतन, जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है सेट नोटेशन। ठीक है, तो समुच्चय संकेतन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैं यहां पढ़ता हूं, समुच्चय को साधारणतया अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स जैसे ए बी सी डी ई से लगा करके जेड तक से अव्यक्त किया जाता है, तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी से लेकर जेड से अव्यक्त किया जाता है। साथियों, समुच्चय जो होते हैं उन समुच्चयों को प्रतीक रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ए से लेकर के जेड तक उनको अव्यक्त करते हैं या संकेत रूप में उसको दर्शाते हैं। ठीक है, और समुच्चय के जो अंदर के अवयव होते हैं या समुच्चय के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स से हम दर्शाते हैं ए से जेड तक। साथियों, जो समुच्चय होते हैं उन समुच्चय को कैपिटल लेटर्स द्वारा दर्शा जाता है, इस बात की जानकारी इसके पूर्व के वीडियो मैंने दी है, आप आई बटन में देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, चलिए किस प्रकार से हम समुच्चय को संकेतन से दर्शाते हैं या संकेत द्वारा दर्शाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, यदि किसी समुच्चय एस का कोई अवयव एक्स है तो इसे प्रतीकात्मक रूप में निम्न संकेतन द्वारा व्यक्त करते हैं, एक्स अवयव है एस, या इसे एक्स समुच्चय एस का अवयव है एक्स बिलोंग्स टू सेट एस पढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने जानकारी पढ़ा, इसमें दिया हुआ यह है कि यदि कोई एक समुच्चय है जिसका प्रतीक एस है, उसको एस के द्वारा दर्शाया गया है, और उसका एक सदस्य है एक्स, उसका एक अवयव एक्स है, तब हम एक्स को सदस्य के रूप में, एस के सदस्य के रूप में जब दर्शाएंगे तो उसे किस प्रकार दर्शाएंगे, इस प्रकार दर्शाएंगे, एक्स अवयव है एस, और इसे हम पढ़ेंगे एक्स समुच्चय एस का अवयव है,
उसको अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। साथियों यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इस प्रतीक चिन्ह के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है, उस वीडियो को भी आप भलीभांति देख लें, समझ लें, आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, यदि x किसी समुच्चय s का एलिमेंट अर्थात अवयव नहीं है तो इसे प्रतीकात्मक रूप से निम्न संकेतन द्वारा व्यक्त करते हैं, कैसे, x अवयव नहीं है s का, या इसे x समुच्चय s का अवयव नहीं है ऐसा पढ़ते हैं। साथियों यदि जो x है वो मानो समुच्चय s का अंग नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में इसको संकेतों द्वारा दर्शाने के लिए हम कैसा करते हैं, इसलिए करते हैं x अवयव नहीं है s का, इसे पढ़ते हैं। यदि इसे अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, x does not belongs to set s, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं संकेत रूप में, यदि मान लो कोई सदस्य किसी समुच्चय का सदस्य है तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे x अवयव है s, और यदि मान लो ये x उस समुच्चय का सदस्य नहीं है तब क्या पढ़ेंगे, x अवयव नहीं है s। तो इस तरह से हम संकेतों के माध्यम से समुच्चयों को दर्शाते हैं। साथियों ये जो संकेत है इनके बारे में पूरे के वीडियो में भली भांति आपको समझा दिया गया है। चलिए अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, दूसरा बिंदु क्या है, समुच्चयों के प्रकार। जैसा कि आपको वैकल्पिक जो प्रश्न है उनको बताते समय हमने बताया था कि हम बाद में समुच्चयों के प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयव अर्थात सदस्य, किसी समुच्चय के अंदर या उसमें निहित सदस्यों की संख्या के आधार पर समुच्चयों के प्रकार यहां पर हमने बताए हैं। समुच्चय के यहां पर चार प्रकार हैं। पहला है परिमित या नियत समुच्चय जिसे कि अंग्रेजी में फिनिट सेट कहते हैं। दूसरा है अपरिमित या अनंत समुच्चय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फिनिट सेट। और तीसरा है एकल समुच्चय जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है सिंगलटन सेट। और अंत में जो चौथा है वह है रिक्त समुच्चय जिसे हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। तो चलिए क्रमशः इन समुच्चयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला समुच्चय क्या है, परिमित या नियत समुच्चय जिसे कि अंग्रेजी में कहेंगे फिनिट सेट। इसके बारे में पढ़ते हैं, यदि किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या निश्चित हो और जिन्हें गिना जा सकता हो उसे फिनिट या परिमित समुच्चय कहते हैं। साथियों ऐसा समुच्चय जिसके सदस्य एक निश्चित मात्रा में हो जिनको हम गिन सकते हो, तो ऐसे समुच्चय को हम फिनिट या परिमित समुच्चय की श्रेणी में रखते हैं, या ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका उदाहरण देख लें, उदाहरण के माध्यम से आपको भलीभांति समझ में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा है वी बराबर ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे ए ई आई ओ यू। अब देखिए यहां पर वी का आशय है वावेल, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वावेल्स हैं उनकी संख्या पांच है, आप भली भांति जानते हैं, तो इनको हम गिन सकते हैं, इनकी संख्या कितनी है, पांच है। तो यहां पर वी बराबर कैपिटल वी है, वी बराबर ए ई आई ओ यू। तो यहां पर देखिए जो अवयव है या जो सदस्य है उनकी संख्या को हम गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह जो उदाहरण है समुच्चय का, यह परिमित या नियत समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वह है अपरिमित या अनंत समुच्चय जिसे कि इन्फिनिट सेट कहा जाता है। पढ़ता हूं मैं यहां पर, यदि किसी समुच्चय के सदस्यों अर्थात अवयवों की संख्या की गणना न की जा सके जिनकी संख्या अनंत अर्थात अपरिमित हो, अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। साथियों ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या को गिनना संभव न हो या उनकी संख्या अनंत हो, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय
कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर शब्द आया है अपरिमित और ऊपर आया था परिमित, तो परिमित का मतलब होता है सीमित या सीमा के अंदर, और अपरिमित का मतलब होता है सीमा के अंदर जो ना हो यानी असीमित हो। तो नाम से स्पष्ट है परिमित और अपरिमित, तो आप समझ गए होंगे अपरिमित समुच्चय क्या होता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है एन बराबर एक दो तीन चार पांच छह सात डेढ़ से अनंत तक लिखा हुआ है। एन अर्थात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर एन, जो कैपिटल एन है, इससे इस समुच्चय को संकेत रूप में प्रकट किया गया है और इसके सदस्यों को कोष्टक के अंदर जो सर्पिलाकार कोष्टक है उसके अंदर लिखा गया है एक दो तीन चार पांच छह से अनंत तक। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वह अनंत है। ठीक है, एक से गणना प्रारंभ करें तो अनंत तक है, तो इनकी जो संख्या है कहना चाहिए प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो अपरिमित है, अनंत है। इसका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमित या अनंत समुच्चय का एक उदाहरण है। इस तरह होल नंबर्स की हम बात कर ले अर्थात पूर्ण संख्याओं का समुच्चय की बात कर ले, इस तरह हम इंटीग्रल्स की बात कर ले, तो किसी भी जो इस तरह से कहने की प्राकृत पूर्ण पूर्णांक या हम परिमित संख्याओं की बात कर ले तो इनके जो समुच्चय हैं वो अपरिमित या अनंत समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है साथियों, चलिए तीसरे समुच्चय के हम प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है, एकल समुच्चय। एकल नाम से स्पष्ट है, एकल अर्थात अकेला एक, ठीक सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय में सदस्यों की संख्या एक ही हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। साथियों ऐसे भी कुछ समुच्चय होते हैं जिनका केवल एक सदस्य होता है, ठीक है, और जिस समुच्चय में केवल सदस्य एक हो वह समुच्चय एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहां पर ए एक कोई समुच्चय है और उसके अंदर हमने सदस्य को रख दिया सन या सूर्य को, तो सूर्य तो अकेले ही है, इसलिए ए बराबर अंदर सन लिखा हुआ है, अतः यह जो है एकल समुच्चय का एक उदाहरण है। इस तरह हम अर्थ मून की बात करें या धरती के चंद्रमा की बात करें तो यह भी जो है एकल समुच्चय का उदाहरण होगा। ठीक है, अब देखिए चौथे प्रकार पर हम चलते हैं, तो चौथा प्रकार क्या है, रिक्त समुच्चय, जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है एम्प्टी अथवा नल सेट कहा जाता है, है ना। तो देखिए ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी सदस्य न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, इसे ग्रीक प्रतीक फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। साथियों आपको वैकल्पिक प्रश्न बताते समय ही मैंने इस बारे में बताया था कि रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसका कोई भी सदस्य न हो, ठीक है, और इसको ग्रीक प्रतीक इस प्रकार का जो चिन्ह होता है जिसे कि हम फाई कहते हैं इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी सदस्य नहीं होता, कोई भी मेंबर नहीं होता। और एक बात ध्यान रखने की यह है कि रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय, जैसे कि हम ऊपर की हम बात करें मान लो परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय एकल समुच्चय या किसी भी समुच्चय की बात करें तो वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय भी होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, भारत में 200 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। साथियों वैकल्पिक प्रश्नों को बताते समय मैंने आपको इसके तीन तीन उदाहरण बता चुका हूं कि रिक्त समुच्चय के कौन कौन से उदाहरण है, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसके कोई भी सदस्य ना हो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है साथियों, देखिए आपको मैंने अभी यहां बात की थी उप समुच्चय की, तो समुच्चय के अन्य प्रकारों के बारे में और भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने आपको समुच्चय संकेतन अर्थात सेट नोटेशन और समुच्चयों के प्रकारों के बारे में बहुत ही सारगर्भित जानकारी प्रदान की है। मुझे आशा है कि आज का जो यह वीडियो है आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा, उपयोगी लगा होगा और आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आरएफ कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना न भूले। अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।